अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू के पराठे। सो यहाँ पे मैंने पेड़े काट के रख लिए हैं बराबर से। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो स्टफ़ करके आलू के पराठे नहीं बना पाते हैं या जिनसे आलू के पराठे स्टफ़ करने में फट जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये कोई भी बना सकता है। सो ये देखिए, मैंने दो पेड़े लिए हैं और बराबर से इनको मैं अभी बेलूँगी। पहले हम पहला पार्ट बेलेंगे। बहुत बड़ा हमें इसे नहीं बेलना है, बस मीडियम साइज का। तो ये देखिए, उसके बाद इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम बेलेंगे। और अब हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। आलू के भरते की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, सो जिसको जिसने देखना हो वो प्लीज़ देख सकता है। और ख़ास बात ये होती है कि इसमें स्टफिंग भी आप ज़्यादा भर सकते हैं। जो वैसे स्टफ वाले पराठे होते हैं उसमें एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप भर सकते हैं। सो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आलूओं को फैला दिया है। और अब हम इसके ऊपर जो हमने सेकंड लेयर अपनी बेली थी उसको ऐसे उंगलियों की मदद से चिपका देंगे। और अब हम इसमें हल्का सा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, हमारा पराठा फटा भी नहीं और बेल भी गया इतना अच्छा। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। मैं आपको स्टफ वाली रेसिपी भी जरूर दिखाऊंगी बहुत जल्दी। बस तवा हमारा गरम है, अब हम इस पे पराठा डालेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पराठों को हमेशा दबा दबा के सेकिए, उससे बहुत ही क्रिस्प और बढ़िया बनते हैं पराठे। सो ये देखिए, घी लगा लगा के हमको दबा दबा के इसको सेकना है। खूब अच्छे से किनारों को सेकिए। ये देखिए, हमारा पराठा कितना अच्छा सेक गया है। ये इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे। सो आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं ये भी। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।